हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ, गर्मी आप शुरू हो गई है, तो गर्मी में कुछ अच्छा सा खाने को और पीने को मिल जाए तो मज़ा आता है, और कुछ ठंडा हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ अंगूर की एक डिश। तो आप यहाँ पे इसको चुस्की भी बना सकते हैं। हम एक डिश से दो चीज़ें मैं आपको बनाना बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा वंदनास कैफे को, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। तो चलिए आइए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंगूर ले लिया ग्रीन वाला, यहाँ पे आधा कप अंगूर ले लिया है। यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ अंगूर ले लिया है, और हम जो ड्रिंक बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे मैंने ये ऐसे अंगूर को हार्ट शेप में कट करके टूथपिक में लगा दिया है। यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून सब्जा को 5 मिनट के लिए वार्म वाटर में भिगो के रखा हुआ है। यहाँ पे हमारा पुदीना के पत्ते हैं 8 से 10, अच्छे से वॉश कर लिया है। आधा कप हमारी शुगर है, आधा कप हमारे अंगूर है। तो पहले हम अंगूर को पकाएंगे, और इसी से मैं दो डिशेस आपको बताऊंगी। या तो आप इसको पी भी सकते हैं, या इसको स्लो मोशन में चुस्की, जैसे आप बर्फ का गोला या इस टाइप की जो कुल्फी होती है ऑरेंज वाली, उस तरीके से भी आप इसको खा सकते हैं। तो हमारे कुल्फी के मोल्ड भी रेडी है, तो आइए पहले हम अंगूर को पकाना शुरू करते। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन रख दिया है। यहाँ पे आधा कप हम अंगूर को साबित के साबित डाल देंगे। इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी में हम शुगर भी ऐड कर देंगे, हमारी आधा कप। अगर आपको शुगर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे वाटर। तो यहाँ पे मैंने आधा कप शुगर ली है, आधा कप ही मैं पानी ले रही है, देखिए बिल्कुल। बस इसी में हम इसको पका लेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, बस शक्कर हमारी घुल जाए। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और हमारा मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। इसी में हम पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे ताकि इसका भी अच्छा फ्लेवर आ जाए, और इसको हम 2 मिनट के लिए बॉयल होने देंगे। बहुत इंटरेस्टिंग डिश होने वाली है, आप एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो अंगूर की मैंने ड्रिंक बनाई वो इंस्टेंट वाली है, पर यहाँ पर आप ये सिरप को बना के स्टोर करके रख सकते हैं अपने फ्रिज में। तो जब भी आप धूप से या बाहर से आते हैं, फटाफट ये ड्रिंक आप इंजॉय कर सकते हैं। पूरा वीडियो आपको जरूर बताऊंगी, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए 5 मिनट के लिए हम इसको बॉईल होने देते हैं। तो देखिए 1 से 2 मिनट हो गए हैं, अंगूर भी हमारे कलर चेंज हो गया, शक्कर भी हमारी घुल गई है। बस हमें इससे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको ब्लेंड कर देंगे। तो हमें इसका सिरप भी बनाना है, तो मैं इसको रख दूंगी ठंडा होने के लिए 1 से 2 मिनट के लिए। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। चलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का एक जार ले लिया है, मिक्सर हमारा ठंडा हो गया है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठंडा ही होना चाहिए सारा। हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे मिक्सी के जार में। अब इसमें जाएंगे हमारे मसाले। तो यहाँ पे मैं काला नमक आधी छोटी चम्मच, यानी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच हमारा जीरा पाउडर, ये भुना हुआ जीरा है, आधी छोटी चम्मच। नॉर्मल हमारा सॉल्ट, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम ऐड करेंगे, ये देखिए। और इसमें जाएगा चाट मसाला, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे हम, और इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी, यानी इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना के रेडी करके मैं लाती हूँ। तो 2 मिनट के लिए हम इसको वेट करेंगे। तो देखिए ये हमारा अच्छे से पीस के रेडी हो गया, ये देखिए इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आइए अब इसको हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया वही वाला, और इसको हम अच्छे से छान लेंगे। जितना भी इसका जो अंगूर की जो छिलके विलके पुदीना वुदीना का है, इसको छानना बहुत ज़रूरी है। एकदम हमें स्मूथ सा मिक्सचर चाहिए, और बस बिल्कुल हम इसको फेंक देंगे। तो देखिए हमारी ड्रिंक बन के रेडी है। तो आइए अब इसमें हम पानी भी मिलाएंगे, पहले इसको अच्छे से छान लेते हैं। तो देखिए हमारा लिक्विड छान लिया मैंने अच्छे से, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो आधे को मैं निकाल लूँगी, उसके बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। थोड़ा हम अपनी ड्रिंक के लिए रख देते हैं, इसको रख देते हैं साइड में, थोड़ा सा निकाल लेते हैं, और इसमें इसको रख देंगे हम साइड में, ये वाले को। इसमें फिर हम पानी मिलाएंगे। आइए अब हमने चुस्की बनाने के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको पानी मिक्स करना है जितना आपको बनानी है, 2 या 3, मैं 4-5 बनाऊंगी। तो इतना मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया। अब इसमें मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी इसमें और ऐड करने की। अब इस तरीके से हम अपने कुल्फी के मोल्ड में इसको ऐड कर देंगे, और इसको हम सेट करने के लिए रख देंगे जितने घंटे में भी ये होगी। चाहे तो आप इसको ओवरनाइट भी बना के रख सकते हैं, और या तो आप इसको ऐसे बॉटल, कांच की बॉटल में भी भर के रख सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप इनको सारे को भर दीजिए। तो मैंने 4 रखी हुई है, 4 बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने फॉइल ले लिया है, इस तरीके से आप इसको कवर कर दीजिए, देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। बस इसको ओवरनाइट के लिए आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए, और यहाँ पे लगा दीजिएगा आइसक्रीम की स्टिक। यहाँ पे मैं इस तरीके से, देखिए ये हमारी रेडी होगी। इसी तरीके से मैं सारी रेडी कर लूँगी। अब मैं रख दूँगी इनको फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए, उसके बाद का मैं आपको, अब दूसरी ड्रिंक हम बना लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी चुस्की, आइए अब ड्रिंक भी बना लेते हैं। चलिए अब अपनी ड्रिंक भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे अपने ऐड करेंगे
एक एक टेबल स्पून हमारे ग्रेप्स बारीक कटे हुए, ताकि पता चले हमने कौन सी ड्रिंक बनाई है। तो यहाँ पे हमने ग्रेप्स ऐड कर दिए और एकदम चिल्ड वाटर भी इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा हमारा सब्जा 1 टेबल स्पून। ये बहुत अच्छा होता है, फ़ायदा करता है पेट के लिए, तो ये आप गर्मियों में ज़रूर से ऐड कीजिए अपनी डाइट में। और आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बताई है, इसके पुडिंग भी बना सकते हैं मैंगो के साथ। तो यहाँ पे मैंने ये 2 टेबल स्पून डाल दिए हैं अच्छे से, इसको रख देंगे साइड में। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बारीक कटा हुआ पुदीना, अच्छे से धुला हुआ 1-1 टेबल स्पून हमारा बारीक कटा हुआ। अब इसमें जाएगी बहुत सारी बर्फ, ये देखिए यहाँ पे बर्फ़ ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो को बिल्कुल भी नहीं रोक रही हूँ, तो देखिए अच्छे से बर्फ़ ऐड कर देंगे। ये देखिए बर्फ़ चली गई हमारी। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा सिरप जो रखा था हमने, इसमें भी थोड़ा डालेंगे। अब इसके बाद जाएगा इसमें थोड़ा सा पानी, तो हम यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चिल्ड वाटर। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपना पानी चिल्ड, ये देखिए। तो ये हो गया हमारी एकदम परफेक्ट समर ड्रिंक। तो आप इसको बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। वैसे तो मैंने आम पन्ना भी आपको बताया है, मैंने बहुत सारी आपको ड्रिंक्स बताई है, तो आप मेरी सारे ड्रिंक की सीरीज़ देख सकते हैं। ये देखिए इसको मिक्स करेंगे क्विकली अच्छे से, और इसको बिल्कुल आप जब भी बाहर से आएँ, जब भी आपको थोड़ा सा लेज़ी फील हो रहा है, ये ड्रिंक बना के रख लीजिए, मतलब सिरप बना के रख लीजिए, और आप इसको चिल्ड चिल्ड सर्व कीजिए। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगी ग्रेप्स, ये देखिए इस तरीके से। ये थोड़ी प्लेटिंग भी खूबसूरत होनी चाहिए ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। यहाँ पे लगा देंगे मिंट लीव्स, तो हमारी समर ड्रिंक बन के रेडी है। तो आप भी इसको इंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। तो देखिए कितनी देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है, और हमने इसके प्लेटिंग कितनी प्यारी करी है, कितना खूबसूरत भी लग रहा है देखने में। तो आपकी समर ड्रिंक बनके रेडी है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चुस्की हमारी जब रेडी हो जाएगी, उसका बाद में आपको फोटो आपको दिखा दूंगी जो मैं ऐड करूंगी इसमें। तो हमारी ड्रिंक तो रेडी हो चुकी है, तो जाइए आप भी फटाफट बनाइए। देखिए कितनी आसान है ये रेसिपी बनाना, कोई मुश्किल भी नहीं है। और ये सिरप को बना के आप आराम से अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं ग्लास की बॉटल में। यहाँ पर आप चुस्की भी बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना इस कैफे को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। मिलते हैं कुछ अच्छी सी रेसिपी और अच्छी ड्रिंक के साथ अगले व्लॉग में। हमारे यहाँ पीछे हमारे जो लेबर है उनके यहाँ काम चल रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो सॉरी, आई एम सॉरी एवरीवन। तो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।